नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं स्टूडियो में हीरा लाल राजस्थानी, जो एक वरिष्ठ लेखक भी हैं और कलाकार भी हैं और समाज के हमेशा मुद्दों पर बात करते रहते हैं और समाज की चिंता भी करते हैं। और आज हम जानते हैं कि समाज के कुछ मुद्दों पर, कुछ पहलुओं पर कुछ अपनी राय रखें और समाज में आजकल जो घटनाएं घटित हो रही हैं उन पर उनकी क्या राय है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दरअसल इस समय जब पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया एक बिकी हुई भूमिका में अपना रोल अदा कर रहा है, उस समय में ग्लोबल न्यूज़ नेटवर्क का आना एक दलित समाज के लिए एक उम्मीद की एक किरण है। और ये जो उम्मीद की किरण है, ये सिर्फ पैसा बटोरने का साधन नहीं है, ये लोगों तक जो है अपनी चीज़ों को पहुंचाने का माध्यम है। जिस तरह से हम आए दिन देख रहे हैं, कभी वहाँ पर वारदात हो गई है, कहीं वहाँ पर मॉब लिंचिंग हुई है, इस तरह का जो घटनाक्रम जो है लगातार आज के समय में होता चला जा रहा है, वो बहुत ही निंदनीय है, विचारणीय है और इस ओर जो है दलित समाज को जागरूक होना चाहिए। राजस्थानी जी, आप भी एक संगठन चलाते हैं, तो आजकल जो समाज में हमारे में बहुत संगठन बन रहे हैं और अलग अलग संस्थाएं संगठन बना रही हैं, अलग अलग लोग अपने अपने संगठन बना रहे हैं, तो उन संगठनों का मेन उद्देश्य क्या होता है? और जैसे आप अपना संगठन चला रहे हैं, तो आप समाज को किस प्रकार जागरूक कर रहे हैं अपने संगठन के माध्यम से? जी, इसमें कोई शक नहीं कि हमारे दलित समाज में जो संगठनों की कोई कमी नहीं है। और जहाँ तक मैं अपने संगठन की बात करूँ, उससे पहले मैं ये बात करना चाहूँगा कि जितने संगठन हम बना लें, यदि उन संगठनों में एक एकता कहेंगे एक तो, और दूसरी बात एक अनुशासन जब तक उसमें नहीं आएगा और अनुशासन के अनुसार हम जो है काम नहीं करेंगे, जब तक हम जो है किसी भी मुकाम पे पहुंच नहीं सकते। मैं अपने संगठन की बात करूं, हम दलित लेखक संघ जो हम चलाते हैं, इसके अंतर्गत हम जितने भी देश भर के जो लेखक हैं, वे इन पीड़ाओं पे, इन शोषण पे और ये बलात्कार, ये मॉब लिंचिंग वगैरह जो चलती चली आ रही है, इस पे हम जो है लिखते पढ़ते हैं और अपनी आवाज़ उठाते हैं। हमारा एक अखबार भी है प्रतिबद्ध, तो उसके द्वारा भी हम जो है इन चीज़ों को उठाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और कहने की है कि हमारे साथ में जो गैर दलित भाई भी हैं, जो इन मुद्दों पे हमारा साथ देते हैं और हमारे कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, हमें उनका भी स्वागत करना चाहिए। हमें जो है संवैधानिक रहना चाहिए। हमारी प्रवृत्तियों में जो है गाली गलौज, हिंसाएं, ये नहीं होना चाहिए और है भी नहीं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन फिर भी जो है इनसे परहेज करना ज़रूरी है, ये हमारे मूवमेंट को खोखला कर देते हैं। तो रही बात मतलब संगठन को किस तरह से चलाएं या जो है इसको जो है एक मुकाम तक पहुंचाएं, तो इसमें साथियों यही है कि हम लोग जब तक जो है इस एक संगठन से दूसरे संगठन को, दूसरे संगठन से तीसरे संगठन को जोड़कर नहीं देखेंगे, तब तक जो है हमारा जो कार्य है, हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो लक्ष्य है, ये अधूरा ही रहेगा। एकता बड़ी जरूरी है। राजस्थानी जी, आप जैसे एक लेखक हो, कलाकार भी हो, तो एक लेखक जो एक लेखक बहुजन समाज का है जो दलित है और एक जो अपर कास्ट का जो लेखक है, इन दोनों में अंतर क्या है? जी बिल्कुल, ये जो है एक आपने मूल प्रश्न पूछा है। जो दलित समाज के जो लेखक हैं और जो अलहदा लेखक हैं जो दूसरे हिंदी साहित्य में और अंग्रेजी लिटरेचर में, इनमें मूल अंतर तो एक तो यही है कि हमारा जो लेखन है वो जाति विषमताओं के आधार पे है। समाज में जो जिस तरह की विषमताएं, भेदभाव, उत्पीड़न, इस तरह के जो जातिगत होते हैं, हम उन मुद्दों को लेते हैं और हमारा जो साहित्य है वो मानवीय मूल्यों की स्थापना चाहता है। जो दूसरे साहित्य की हम बात कर रहे हैं, उस साहित्य में मनोरंजन है, रसास्वादन है, उनके अंदर जो है शारीरिक जो एक क्रीड़ाएँ हैं उनका जो रस लिया जाता है,
उसकी तरफ जो है उनका ज्यादा रुझान रहता है, मानवीय मूल्यों की तरफ उनका रुझान जो है कम देखा गया है। तो हीरा लाल जी, आप जैसे आप वर्तमान समय में आप लेखन का कार्य करते हैं, तो समाज में किस प्रकार के लेखन की ज्यादा डिमांड है, किस प्रकार का साहित्य लोग पसंद कर रहे हैं आजकल? देखिए, ये डिमांड की तो बात जो है इसमें रहेगी, लेकिन आज का जो दौर है विश्व स्तर पे आप देखिए, आज का जो दौर है वो मानवीय मूल्यों पे आधारित दौर है। जो भी मानवीय मूल्यों की बात करता है उसको ज़्यादा हाथों हाथ लिया जाता है, पढ़ा जाता है। आज आप देख लीजिए कि जो हम नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं या और जिस तरह के पुरस्कार की बात कर रहे हैं, यहाँ तक कि आप देखिए कि जब मिस यूनिवर्स या मिस जो इंडिया की बात करते हैं, तो वहाँ पर उन मानवीय मूल्यों को ही देखा जाता है कि इसमें मानवता कितनी अंश बाकी है, और जो मानवीय है उसी को जो है लोग पढ़ते भी हैं, उसी को जो है उस पर लोग चर्चा भी करते हैं। उस वही मुख्य धारा का साहित्य या जो है एक मतलब कह लें कि बातचीत जिस तरह जिस भी माध्यम से हो वो जो है मुख्य धारा में सम्मानित होता है। तो राजस्थानी जी, कहीं आपको लगता नहीं है कि जैसे आपने पुरस्कार की बात करी या नोबेल पुरस्कार की बात करी, तो कहीं ना कहीं इसमें जातिवाद का सामना करना पड़ता है लेखकों को? हाँ, देखिए, ये आपने सही प्रश्न जो है उठाया है। जब हम हिंदी साहित्य की बात करते हैं, हिंदी अकेदमी की बात करते हैं, हम जो है साहित्य अकेदमी की बात करते हैं, ललित कला अकेडमी की बात करते हैं, या विश्व स्तर पे जो चीज़ें होती हैं उनकी बात हम करते हैं, तो यकीनन जो है वहाँ पर जाति जो है टकराती है, और ये जाति जब तक टकराएगी तब तक हमारी जो लड़ाई है वो चलती रहेगी।